बोला बेचारा किस तरह से सब स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन का माहौल रहा? बड़ा अच्छा था, बच्चों के साथ बात करते हुए पूरा नंगा होके बात करना बहुत आसानी होती है, कुछ छिपाना है, कुछ जीतना नहीं है, कोई इम्प्रेस किसी को करना नहीं, अपना एक तजुर्बा है जिंदगी का बताते जाओ। आजा महेश, तो बच्चों के साथ बात करते हुए बड़ी आसानी होती है और तुम्हारे जिंदगी भर का निचोड़ है तो बयां करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। सही है गलत है वो सोचना नहीं पड़ता, ताकि तुमने जो किया है वो काम है तुम्हारा उनके सामने और किसके बदौलत किया है कि मैंने ज़िंदगी ऐसे गुजारी, ऐसे ऐसी बात थी, ऐसे होता था। उन्होंने खाली एज एन एक्टर ही बात नहीं की कि फिल्म नट सम्राट की या फिर वो तो बातें चली इंटरेक्शन चला, लेकिन सबसे जो अच्छी बात इन्होंने बच्चों को समझाई वो ऐसे ह्यूमन कि उनकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल आने वाली है, अपने आप को बड़ा भी समझो छोटा कमी मत समझो, एटीट्यूड रखो लेकिन एटीट्यूड से अवेयर रहो, हम्बलनेस भी अपनी जरूरत है ज़रूरी है, एटीट्यूड भी ज़रूरी है। ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बोला, किसान के लिए किसानों के लिए अपना जो मिशन चलाया है उसके बारे में कहा, तो सिनेमा से भी ऊपर बढ़ के बातें की। अवेयर आई फील आई नीडेड टू टेल दोस पीपल कि यस बेसिक एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव अ यू शुड हैव अ विल टू सक्सेस। और मैंने कहा मैंने कोई स्कूल में नहीं गया ना, मैं कोई फिल्म स्कूल में गया, मैं थिएटर किया, देन आई वाज 17 मैंने वर्कशॉप किया पहले। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे व्हाट टू लाइफ इज द बिगेस्ट थिंग, व्हाट यू लर्न फ्रॉम लाइफ नोबडी कैन टीच। अभी टेक्निकली डेफिनेटली यू गेट टू नो अ लॉट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, बट बेसिक जो सीखना है वो तुम्हें कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता, दैट यू नीड टू लुक अराउंड यू एंड लुक विद इन यू। आई डोंट नो, मैं जब भी मैं थिएटर करने का तभी ये नए नए सब सीख के आए थे, तो सब डॉक्टर्स के स्टैंडर्ड्स के नाम सुन के मेरी ऐसी फीलिंग क्या है, ऐसी फीलिंग ये तुम जाते हैं, बट देन स्लोली आई रियलाइज कि दैट इज नॉट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यू नो वो एट द एंड ऑफ द डे गिवन अ सिचुएशन को तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम कैसे रिएक्ट करोगे इफ यू हैव नो एक्सपीरियंस, इफ यू हैव नॉट सीन लाइफ यू कांट, इफ आई यू हैव टू रिएक्ट टू गिवन सिचुएशन वेयर देयर इज आई सी अ मैन हु इज नॉट ईटिंग फॉर 10 डेज, सो इफ आई हैव नॉट सीन एनीथिंग, ये मुझे सिखाता नहीं है, ना स्टैनिस्लॉस को सिखाता है, ना डॉस्टोयेवस्की को सिखाता है, ये मैं कहीं पे आई रिकलेक्ट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज ऑब्जर्व, मैं आंखें खुली रखोगे तो वो सबसे बड़ा टीचर है। यू विल बी सरप्राइज कि व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू नट सम्राट, पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग मी इन द प्ले बिकॉज सी दैट इज द प्ले एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू अडैप्ट दे डिडंट नो व्हाट वाज द स्क्रिप्ट में क्या था, सो दे वर जस्ट वेटिंग कि बनने दे फिर देखेंगे। थिएटर तो बहुत देखा है लोगों ने, इट हैज बीन सीन बाय सो मेनी पीपल, तो सिनेमा कौन देखने आएगा, बट देन आई न्यू व्हेन व्हेन द स्क्रिप्ट वाज मेड समवेयर आई न्यू कि आई हैव अ विनर मैन, तो ओनली प्रॉब्लम वाज आई टू कन्विंस समवन हु वाज गोइंग टू पुट इन मनी, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे विश्वास जोशी जैसे प्रोड्यूसर मिले, बिकॉज इट वाज नॉट एन इजी फिल्म टू मेक, आई नीडेड अ बर्ड थिएटर, तो मैंने लिखने में तो बहुत ईजी लगता है, मैंने लिखा एक बर्ड थिएटर लाइव कहाँ से बर्ड थिएटर, सो वी हैड टू मेक अ थिएटर इन बर्ड, जी का आना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, दे रियली टुक इट टू द मासेस, दे नो हाउ टू मार्केट इट, बट देन एट द एंड ऑफ द डे ओनली मार्केटिंग डजंट हेल्प, सो एंड देयर वाज अ कनेक्ट, क्या होता है लोगों ने बताया कि नटसम्राट ओल्ड है कौन देखेगा यूथ, बट आई थिंक देयर वाज लॉट ऑफ यूथ सॉ द फिल्म, व्हाट हैपेंस इफ टुडे अंडर एस्टिमेट द यूथ, टुडे द यूथ इज एक्सपोज टू सो मच कि दे यू डोंट नीड टू टेल दैट, यू डोंट कि जो जो कोई सोचता ना क्या मैं फिल्म ये यूथ के लिए बना रहा था, दे आर द बिगेस्ट मोरल्स, बिकॉज यू नो व्हाट इज राइट फॉर देम व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम, डोंट ट्राई टू यू नो कैटेगराइज। द ओनली टू प्रोग्रेसिव सिनेमा इन द कंट्री वाज मराठी सिनेमा एंड बंगाली सिनेमा, वी वर ऑलवेज अ लिटिल अहेड, बट देन स्लोली क्या हुआ, बिकॉज महाराष्ट्र में काफी लोग हैं, काफी लोग थे, 100% लोगों को हिंदी आती है, द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन बिकेम हिंदी सिनेमा, and it was a David versus Goliath thing because of the budget jada. What we did is we tried to play to them, we tried to fight them, we should have not, we should have kept stay as it, hamara script ke upar hum log kaam karenge, which
बीच में हम लोग करके हार के गिर के हम लोग वापस आके टुडे वी रियलाइज दैट एज लॉन्ग एज आई हैव अ स्क्रिप्ट वी कैन फाइट एनीबडी. मैं कलकत्ता में गया हाफ द कैप्टन लोग बोलते हैं फिल्म में जल्दी नहीं आई सर तुम लोग ने वो उधर सत्य की ग्रेव मत भी टर्निंग इन इज ग्रेव तो ऋत्विक घटक मत भी टर्निंग इन इज ग्रेव बिकॉज तुम लोग 80% ऑफ द फिल्म ऑन रीमेक ऑफ द सॉन्ग. आई सेड व्हेन यू हैव अ रिच कल्चर लिटरेचर व्हाई आर यू डिपेंडिंग ऑन समथिंग व्हिच इज रन ऑफ व्यूअर्स. मराठी ने अभी ये रियलाइज किया ऐसे नहीं कि मराठी में बकवास फिल्में नहीं बनती बट जो फिल्में चलती हैं उनको बेस बहुत स्ट्रांग है स्टोरी कोई भी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री will be the biggest when people when you convince the people that cinema has no language. मैं माजिद माजिद की फिल्में देखता हूँ, enjoy it because cinema actually should have no language. Today with Dhan Samrat I have seen about 30% of non-Maharashtrians seeing the film. The moment that increases to about 50, we have a bigger business.